हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या जिले के चर्चित नेता रहे मित्रसेन यादव के बारे में। मित्रसेन यादव का जन्म 11 जुलाई सन 1934 को एक सामान्य परिवार में हुआ था। आपको बताते चले, ये एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वह 3 बार सांसद और 6 बार विधायक रहे हैं। इनकी शादी श्याम कली देवी से हुआ था। इन दोनों के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। मित्रसेन यादव का एक बेटा वर्तमान में DIG पद पर कार्यरत है, जिसका नाम अरविंद सेन यादव है। वह दूसरे बेटे का नाम आनंद सेन यादव है। उनके दोनों बेटियों का नाम सुमन और कुसुम है। मित्रसेन यादव मुख्य रूप से हरगटनगंज ब्लॉक के भिटारी गांव के रहने वाले थे। मित्रसेन यादव का साल 1964 में मारे गए 2 भाइयों जटाशंकर तिवारी व सुरेंद्र तिवारी के मामले में इनका नाम आया था। उन्हें इस मामले में फैजाबाद कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। मित्रसेन यादव इस मामले में यूपी राज्यपाल से दया या कह सज़ा कम करवाने के लिए अपील की थी। तत्कालीन यूपी राज्यपाल कमलापति त्रिपाठी के सहमति पर उनकी सज़ा उम्र कैद में तब्दील के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय से कहा, जहां वह जमानत पर बाहर आए। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं मित्रसेन यादव के राजनीतिक सफ़र के बारे में। मित्रसेन यादव सन 1972 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद वे क्रमशः 1980, 1993 व 2012 तक विधानसभा के सदस्य रहे। मित्रसेन यादव का सियासी सफ़र उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक ही सीमित नहीं रहा। वह 1989, 1996 व 2004 में लगातार 3 बार सांसद बनने में कामयाब हुए। मित्रसेन यादव अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में, उसका समाधान करने में हमेशा आगे रहते थे। इन्हें सामाजिक नेता के तौर पर भी जाना जाता है। अपने लगातार 3 बार संसदीय दौर में वे क्रमशः 3 पार्टियों के सदस्य रहे, जिसमें सपा, बसपा, भाकपा। मित्रसेन यादव सांसद रहते हुए सिंगापुर, अमेरिका, चीन आदि जैसे देशों का भ्रमण किया। मित्रसेन यादव 7 सितंबर 2015 को लखनऊ में अंतिम सांस ली, जहां पर वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएँ। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।